हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एप्रिक्स ई क्लासेस, योर लर्निंग एक्सपर्ट. मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. देखिए, सेशन आज का, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे. एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपने एनालिसिस देखी है पूरी, आपको समझ में आया होगा कि करंट अफेयर का जो वेटेज है वो कितना ज़्यादा है. साथ के साथ जो स्टैटिक जीके भी पूछा गया है वो इसी तरह से पूछा गया है कि जो करंट में न्यूज़ रही उसी का स्टैटिक पार्ट उठाया और आपसे पूछ लिया गया. तो समवेयर आपका ये जो करंट अफेयर का सेशन है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सीएचएसएल का एग्जाम जो आपका शुरू हो रहा है, तब तक हम इसको करने वाले हैं कॉन्टिन्यूसली. और वी विल बी फोकसिंग कि 500 क्वेश्चंस हम कवर कर लें, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आपको दिख रहा है ना. इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करें और इससे बाहर फिर आपको एग्जाम में कुछ भी ना मिले. तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली जीएस ने काफ़ी परेशान किया है. तो करंट अफेयर ये था कि पता नहीं कहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना. तो हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. रिविज़न है आपका, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हम वो भी देखेंगे. ओके, बफरिंग हो रही है तो एक बार जरा चेक कीजिए. बफरिंग हो रहा है, यहां पे चेक करो एक बार. जगदीश सर को बुलाओ. राइट, सो एम आई ऑडिबल एंड ऑल्सो विजिबल टू यू? जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए. ठीक है, तो सुबह सुबह की बात है, मुझे लग रहा है सिस्टम भी थोड़ा सा नींद से अभी उठा नहीं है. कोई बात नहीं, अभी अगर सेशन की बात करें हम तो 11 बजे हमारा एक और सेशन है. ठीक है, उस सेशन से पहले पहले हमें ये सेशन ख़त्म करना है. तो 11 बजे तक ये क्लास रहेगी, उसके बाद आने वाले दिनों में हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे कि डेली हम 125 क्वेश्चन अराउंड कवर अप कर लें. ठीक है, तो चलिए, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मेट्रो स्टेशन के बारे में, और ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है. देखिए, ये जो कमेटी थी इसको हेड किया था मनीष सिसोदिया ने, तो आपको पता है दिल्ली के वो क्या है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन. तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. साथ के साथ आप लोग भी आंसर करते जाइए, ठीक है, और हम भी यहाँ पर आंसर देखते जाएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है. अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में भी, कि जिस जो ऐप अभी लॉन्च हो रहे हैं रिसेंटली, तो कई बार उनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, कई बार फुल फॉर्म का एक पर्टिकुलर लेटर आपसे पूछ लेता है. तो यहाँ पर पूछा गया है कि नेम द ऐप लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई ने जो ऐप लॉन्च किया है जो क्या करेगा, विजुअली इंपेयर्ड जो पीपल होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको करेंसी का जो डिनोमिनेशन होता है कि कितने रुपए की करेंसी है, वो यहां पर पहचानने में हेल्प करेगा. तो क्या नाम था जरा इसको बताइए. मनी नाम यहां पर आकाश प्रजापति ने कहा है. तो बिल्कुल, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, लेकिन ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी तो पूछ लेगा, बट कई बार आपसे ये पूछ लेगा मनी में ए किस, ए का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. अगला सवाल देखिए यहां पर. अब देखिए, यहां पर आपको पता है स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, एक पर्सन दे दिया उसका नाम पूछ लिया. तो यहां पर उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि उस आपको फर्स्ट और यंगेस्ट इंडियन ट्राइबल वुमन, यहां पर फोकस करने वाली चीज क्या है कि ट्राइबल यानी कि आदिवासी जो आपकी कैटेगरी होती है वहां से नाम पूछा गया है. तो किसने 6 की 6 कॉन्टिनेंट्स की जो माउंटेन पीक्स हैं उनको क्या कर लिया है, स्केल कर लिया है. तो क्या नाम होगा जल्दी से बताइए, यहां पर कौन बताएगा. ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आंसर आ रहा है. बताइए,
मालावत पूर्णा, बिल्कुल बहुत ही करेक्ट सही आंसर दिया है सबने। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, मालावत पूर्णा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बोला था पर्सनालिटीज के बारे में पूछा जाता है, तो सुनीता लाखरा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। ठीक है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, तो बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। मालवत पूर्णा बिल्कुल तेलंगाना से है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है हॉकी। ठीक है, तो ये जो सुनीता लाखरा है वो किससे, कौन से गेम से रिलेटेड है, आपके हॉकी से रिलेटेड है। क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी साक्षी, आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं करंट अफेयर भी यहाँ पर करा रही हूँ, और आप बहुत दिनों बाद क्लास में दिखी हैं आज। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन। अब ये इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में दो बार पूछा गया, और कई बार घुमा के पूछ लिया गया, और कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन सी हेल्पलाइन नंबर है जो इंडियन रेलवे ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की है। किस लिए, कि जो पैसेंजर्स होते हैं आपकी, वो जो जर्नी के ड्यूरिंग कुछ क्वेश्चंस उन्हें पूछने होते हैं, इंक्वायरीज करनी होती हैं, तो एक पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। कैरी म्यूजिकली का आंसर भी आ गया है, अमित का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड, 139। अब जितने भी हेल्पलाइन नंबर थे वो सब इसके अंदर मर्ज कर दिए गए हैं, बस एक अलग से नंबर और छोड़ा गया है, दैट इज 182। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार वो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जो अभी भी 139 से आपका सेपरेटेड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 182। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच प्लेस वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जो स्टैचू है वो कहाँ पर अनवील हुई है रिसेंटली। बिल्कुल अविनाश, पीडीएफ भी मिलेगा आपको, पीडीएफ की टेंशन ज्यादा हो जाती है सबको, है ना, क्लास में क्या चल रहा है उससे तो सब पीडीएफ मिलनी चाहिए बस। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने बहुत सुना होगा, अहमदाबाद, यहाँ पर चेतन का आंसर आ रहा है, तो बहुत बढ़िया, अहमदाबाद गुजरात यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, यानी कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज है, आपने पढ़े हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि जो करंट अफेयर्स हैं बेसिकली कुछ दिसंबर के, कुछ जनवरी के और कुछ फरवरी के मिक्स हैं। तो हम कौन कौन से मंथ कवर करने वाले हैं, हम दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों को कवर करेंगे, यहाँ से ज्यादा चांसेस हैं आपके करंट अफेयर पूछे जाने के। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, लाई हरोबा फेस्टिवल। अब देखिए फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, तो बताइए कहां पर होता है लाई हरोबा फेस्टिवल, कहां मनाया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बताइए भाई, आंसर आ जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में मनाया गया है ये रिसेंटली। चलिए यहाँ पर, हाँ देखिए आंसर भी आ रहा है नवीन का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच गेम विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द थर्ड खेलो इंडिया गेम। अब देखिए खेलो इंडिया गेम आपसे काफ़ी पूछे गए थे, है ना, खेलो इंडिया गेम आपसे दो या तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, और मोस्टली हर शिफ्ट में खेलो इंडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ ही लिया गया था। तो आप देखिए ये तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये गुवाहाटी में हुआ था, तो आपसे ये पूछा गया था सवाल कि कहाँ पे हुए थे, है ना, ये पूछा गया था। अब देखो ये पूछ लिया गया है कि कौन सा ऐसा गेम है जो अभी यहाँ पर एड किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो लॉन बॉल्स। ठीक है, ये जो बॉलिंग होती है, एक पूरा पर्टिकुलर फील्ड होता है वहाँ पर ढेर सारी बॉल्स, जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे बॉल फील्ड में पड़े हैं और फिर किसी एक पर्टिकुलर बॉल को हिट करना होता है, ये इस तरीके का गेम है। एक बार आप जाके इसको सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पूछा जाता है। इसके साथ साथ साइकिलिंग भी इंक्लूड किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, साइकिलिंग भी इंक्लूड किया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई लॉन बॉल के साथ और कौन सा गेम यहाँ पर। बिल्कुल देखिए आंसर भी आ रहा है नवीन का, लॉन बॉल के साथ कौन सा और दूसरा गेम है जो यहाँ पर ऐड किया गया है। अब देखिए एक और पर्सनालिटी की बात हो रही है, हम्पी कोनेरू, तो ये हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में थी, तो कौन से गेम से रिलेटेड हैं, जल्दी से मुझे बताइए कौन से गेम से रिलेटेड हैं ये। देखिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, चेस। ठीक है, शतरंज से रिलेटेड है ये, मोथेरा क्रिकेट स्टेडियम, साक्षी, ओके ठीक है यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है आपका,
नेस्ट नेस्ट के बारे में पूछा गया है, ये जो आज रिसेंटली न्यूज में था ये, तो ये जो नेस्ट है इसमें जो एस है, अब देखिए यहाँ पर पूरा पूरा आपसे पूछ लिया गया कि जो नेस्ट है उसमें यहाँ पर एस का मतलब आपको बताना है कि एस का मतलब क्या है, ठीक है। हाँ बिल्कुल श्याम गुप्ता, यहाँ पर मैंने वही बताया है, लॉन टेनिस और साइकिलिंग आपका दोनों यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो एस है आपका वो हो जाएगा स्ट्रैटेजिक, और एक बार इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए तो फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। अब आपने देखा होगा जब साइबर की चीजें होती है, नेट से चीजें हो रही होती हैं, तो क्या होता है बहुत सारी चीजें यहां पर अब सिक्योरिटी को लेकर, सर्विलेंस को लेकर जरूरत पड़ती है, तो वही चीजों का ध्यान रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहां पर अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है, वेयर वॉज द 107th इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस फॉर द ईयर 2020। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये, क्योंकि अगर आपने देखा है एनालिसिस और हमने यहाँ पर कराया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर हुई थी, तो जल्दी से मुझे बता दो, और इसकी थीम भी पूछी गई थी, ठीक है। और थीम यहाँ पर दी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, तो बताओ 107th इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस कहाँ हुई थी, बैंगलोर यानी कि कर्नाटक में हुई थी, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर अंश का आंसर आ गया है न्यू इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये बहुत सही तरीका है, कॉमेंट में आप लिखते जाइए और आपको आंसर याद होते चले जाएंगे। देखिए एक और पर्सनालिटी का सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि मानव जो ठाकर हैं वो वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर हो गए हैं, तो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं ये आपको बताना है, ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस। थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाइए अपनी, है ना, सो दैट आप इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर सको। चलिए यहाँ पर 13th क्वेश्चन देखेंगे, 13th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर चाइना एक स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्हें क्वेश्चन तो याद नहीं थे, बट उन्होंने कहा था कि चाइना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए ये करंट में न्यूज़ में रहा है चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन। चाइना की एक फिश है जिसको क्या कर दिया गया है, एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस फिश का नाम क्या होगा, तो पेडल फिश विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्यूना, ट्यूना काफ़ी फेमस है चाइना में, काफ़ी अच्छी फिश मानी जाती है वहाँ की, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हाँ जी पैडल फिश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ओके एक बार 15 देख लेते हैं पहले। फर्स्ट नॉर्थ इंडियन रेलवे स्टेशन दैट इनॉग्रेटेड नेविगेशन फैसिलिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड रिसेंटली। अब देखिए विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं, दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नॉर्थ इंडियन रेलवे स्टेशन कोई एक ऐसा है जिसने नेविगेशन फैसिलिटी यहाँ पर क्या की है, प्रोवाइड करानी शुरू की है, तो क्या आंसर होगा इसका जल्दी से मुझे बता दो। चलिए मैं ही बता देती हूँ, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। अगला सवाल देखेंगे हम, अगला सवाल जो हमारा 14th रह गया है, एक बार वो करते हैं। राइट, सवाल पूछा गया है कि हु वॉन द 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020। चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जो हैं आपके CGL में भी पूछे गए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एक सिंगिंग कैटेगरी में दिया गया है, तो किसको दिया गया है, देखिए काफ़ी जाने पहचाने नाम हैं यहाँ पर, नेहा कक्कड़, श्रेया घोषाल, अदिति सिंह शर्मा, बट करेक्ट आंसर क्या है आपका, सुचेता सतीश, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुचेता सतीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 16 क्या कहता है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स 10 मीटर एयर पिस्टॉल। अब देखिए यहाँ पर मेडल्स के बारे में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एयर पिस्टल में जो 10 मीटर का आपका शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है 2019 का, उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है, मेंस कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौरभ चौधरी, ठीक है, सौरभ चौधरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 17th।
Manmohan Sood, who passed away recently, belonged to which field? Options है music, literature, sports और businessman. तो बताइए भाई कौन थे ये मनमोहन सूद, जल्दी से बताइए. ये स्पोर्ट से रिलेटेड थे. कहाँ से रिलेटेड थे? स्पोर्ट से. अब जल्दी से मुझे ये बता दो कौन से स्पोर्ट से थे. ये तो मैंने बता दिया कि ये स्पोर्ट से रिलेटेड थे, बट ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे ये आपको बताना है. तो जल्दी से मुझे बताइए व्हाट डज इट मीन चाइल्ड प्रोडिजी. देखिए चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड की कैटेगरी होती है साक्षी, ठीक है. जिस तरीके से आईफा अवार्ड्स दिए जाते हैं, आई नो कि आपको पता होगा आईफा अवार्ड्स क्या है, उसी तरीके से देखिए ये स्पोर्ट्स से हैं. और कहाँ से हैं? ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं. तो ये ऑबिचरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कहता है. ये रहा आपका अगला सवाल. देखिए हाल ही में किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने, यानी कि किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात हो रही है, कार्डलेस विड्रॉल इन्होंने क्या किया है, फैसिलिटेट किया है एटीएम्स के थ्रू, ठीक है. तो एटीएम से अब क्या कर सकते हो आप, बिना कार्ड के क्या कर सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो. तो कौन सी बैंक है वो आपको बताना है. आपके ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक. तो जल्दी से मुझे कौन बताएगा आंसर इसका. चलिए मैं ही बता देती हूँ, आईसीआईसीआई बैंक विल बी द राइट आंसर. देखिए नेहा ने आंसर भी कर दिया, तो बहुत बढ़िया नेहा, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे. हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए ये पूछ रहा है आपसे शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में. वही 10 मीटर एयर राइफल की बात हो रही है, वो पिस्टल की बात हो रही थी. यहाँ पर किसने जीता है ये आपको बताना है. विमेन कैटेगरी है, तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका. ठीक है, आप लोग थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दिखाइए. हमारे पास वैसे भी टाइम कम है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीना खिट्टा. जीना, बिल्कुल आकाश प्रजापति का आंसर आया है, तो वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपका सवाल. देखिए इंडेक्स पूछी गई थी CGL में, तो यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, वो सवाल आपसे पूछा गया है. तो जल्दी से मुझे आंसर कीजिए क्या आंसर होगा इसका. सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, हाँ जी, CHSL के लिए मैराथन क्लासेस. देखिए मैराथन क्लास आपकी डेफिनेटली होगी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी आपकी तीन मंथ के, आपके 76 यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल 76 इज द राइट आंसर, ठीक है. तो यहाँ पर इंडेक्स आपको क्या करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्लियर है. चलिए देखिए जो लोग कह रहे हैं कि मैराथन क्लास होगी, अब मुझे ये बताइए आपके पास मैराथन क्लास करने के लिए टाइम कितना है ना, आपके पास मैराथन क्लास करने के लिए टाइम कितना है. हम यहाँ पर क्लास डेडिकेट कर रहे हैं जिसमें पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 3 मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएं. अगला सवाल देखिए जल्दी से. जूनियर मैंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है 2021 में, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी, तो जल्दी से बताइए. तो देखिए जहाँ इंडिया का नाम आ जाता है वहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन ऐसा हर सवाल में नहीं करना है, ठीक है. यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इंडिया विल बी द राइट आंसर, यानी कि 2021 में जो मेंस हॉकी आपका वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन करेगा ऑर्गेनाइज, होस्ट कौन करेगा, इंडिया करेगा, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए 22 क्या कहता है. ओके, फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 का आधिकारिक नारा क्या है. भाई यहाँ पर अब बात हो गई है स्लोगन की, तो व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन. तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल से जिस तरीके से ऑप्शन देख रहे हो, तो किक ऑफ द फुटबॉल तो नहीं ही होगा, विक्ट्री और ड्रीम में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो. तो करेक्ट आंसर क्या है, किक ऑफ द ड्रीम्स, ठीक है. आपके जो ड्रीम्स हैं आप उन्हें पूरा कीजिए. चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है. ओके, ये हमने कर लिया. नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि कौन सा जो देश है वो फीफा अंडर 17 फुटबॉल. ओके, अच्छा देखिए अभी उसने स्लोगन पूछा था, अब ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी. तो बताइए कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी. अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा.
देखिए यहाँ पर मेंस वाला भी भारत में ही होना है और आपका जो वुमेन वाला है वो भी भारत में ही होना है, ठीक है। आपने थीम याद कर ली, किक ऑफ द ड्रीम्स थीम हो जाएगी इसकी। 24th क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इसी बात पर। देखिए बुक आपसे पूछी जाती है, तो अभी रिसेंटली ये बुक काफी न्यूज में रही है, द कुकूज नेस्ट। ये एक मलयालम मूवी मलयालम बुक है जिसका फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है ऐसा कि इंग्लिश में इसको लॉन्च किया जा रहा है, लेकर आया जा रहा है। तो बताइए किसकी है ये, महाश्वेता देवी, चेतन भगत, ए सेतु मधुबन या फिर शशि थरूर? जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, क्या हो जाएगा, ए सेतु मधुबन। चेतन भगत तो नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं कीजिएगा कि चेतन भगत कहीं आपको दिख जाए ऑप्शन में तो आप हर बार वही करेक्ट करके आ जाओ, ठीक है। चेतन भगत हर किताब नहीं लिख सकते। चलिए देखिए मलयाली नॉवलिस्ट हैं ये, ए सेतु मधुबन, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या किया है, द कुकूज नेस्ट, अभी इनका पहला नॉवल है जो इंग्लिश में आया है, जो कि हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है, विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द नेवल एक्सरसाइज नेम नसीम अल बहार। देखिए आपको पता है एक्सरसाइज पूछे जाते हैं, तो अब यहाँ पर ऑप्शन जो है गोवा में हुई है ये रिसेंटली, तो यहाँ पर ऑप्शन है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ओमान, इंडिया चाइना या फिर इंडिया और यूएई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया एंड ओमान, ठीक है। ये सारे लर्न कैसे होंगे, ये सारे ऐसे ही लर्न होंगे साक्षी की, यहाँ पर सुनते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए, टाइम मिल रहा है तो कमेंट में आंसर करते जाइए। जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपको जल्दी याद हो जाती है। अगला क्वेश्चन स्पीड के साथ देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑब्जर्व 2020 एज अ ईयर ऑफ मोबिलिटी। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में देखेगा, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, CRPF के बारे में बात हो रही है, CRPF आई थिंक, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तब तक आप लोग मुझे बताइए, CRPF, इसको मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए इसको मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी अभी, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो वो पूछ रहा है, देखिए 107 वापस से कांग्रेस की बात हो रही है आपकी, कि 107 जो कांग्रेस है हुई है साइंस कांग्रेस, ठीक है। देखिए अगर मैं फास्ट नहीं कराऊंगी तो फिर आप लोग पीछे रह जाओगे, है ना, तो हमें फास्ट तो करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इस कांग्रेस की बात पूछी है, तो उसने ये पूछा है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो इनॉग्रेट इसको बताइए किया था किसने, नरेंद्र मोदी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ओके, फोर्ब्स इंडिया ने लिस्ट निकाली है 20 लोगों की, ठीक है, 20 प्रतिष्ठित लोग हैं, 20 प्रेस्टिजियस पीपल हैं जिनको देखा गया है, मतलब कह सकते हो कि ये 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें 2020 में 19 में ज़्यादा देखा गया है। देखिए 20 की बात हो रही है, तो आपके पास काफ़ी फेमस लोग हैं, कन्हैया कुमार, सलमान खान, जाकिर खान और इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से आंसर मुझे बता दीजिए क्या होगा। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कहेंगे कि सलमान खान होगा, तो नहीं भाई, कन्हैया कुमार के बारे में बात हो रही है, इनको इन टॉप 20 लोगों में इन्होंने शामिल किया है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सरबजीत कौर कौन से गेम से रिलेटेड हैं, ये आपसे पूछा गया है, सरबजीत कौर कौन से गेम से रिलेटेड हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा, कन्हैया प्लस प्रशांत किशोर, बहुत बढ़िया, श्याम ने कंप्लीट आंसर भी दे दिया है ऑप्शन में जो नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपके 31 क्वेश्चन की, ठीक है। सो देखिए 31 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ऑलराइट,
ये रहा आपका 31 क्वेश्चन. अमित शाह ने एक बुक लॉन्च की है कर्म योद्धा, ठीक है, तो ये बताती है कौन से पॉलिटिकल लीडर की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको इसमें रखा गया है, इस बुक में शामिल किया गया है, तो वो आपको बताना है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी की लाइफ के बारे में ये किताब लिखी गई है. ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका ये रहा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भाई मिलन एक्सरसाइज जो हुई है, ठीक है, तो कौन सी सिटी में हुई है ये आपको बताना है. तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका. ऑप्शंस हैं आपके हैदराबाद, तेलंगाना, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, या फिर आपके विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, और लास्ट ऑप्शन आ जाता है न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम. ठीक है, विशाखापट्टनम, बिल्कुल. राकेश राजपूत, करम योद्धा. देखिए, फोर्ब्स इंडिया का मतलब होता है, साक्षी एक मैगजीन है, ठीक है, जो हर बार कई बार 100 रिच पीपल, 100 बिजनेसमैन, 100 रिच विमेन, इस तरह से ये लिस्ट निकालती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ये काफ़ी फेमस लोग होते हैं, जैसे अगर हम विमेन्स की बात करें तो बिजनेस विमेन की बात हो रही है, तो वहाँ पर इन लोगों के बारे में उनको रैंकिंग दी जाती है. ठीक है, कुछ मेजर्स हैं इनके अपने. ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे. देखिए, आपसे मेले के बारे में पूछा गया था ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी रिपीट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो करके ही जाने हैं, है ना. माधवपुर मेला जो है वो कहाँ है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहाँ, कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये आपसे पूछा गया था. ठीक है, तो आप बताइए ज़रा इसका क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुजरात. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एयर इंडिया न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी पूछे गए हैं एयर इंडिया के, जिन्हें अभी 2020 फरवरी में ही अपॉइंट किया गया है. तो क्या आंसर होगा, राजीव बंसल, अरुण नेगी, संजय जैन, या फिर आपके पास आ जाते हैं मनीष कुमार. तो जल्दी से बताइए, काफी न्यूज में रहे हैं ये, राजीव बंसल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है सबको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपका. देखिए, विच फिल्म बिकेम द फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म टू विन एन ऑस्कर 2020 अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर. नॉन इंग्लिश मूवी पूछी है, याद क्या रखना है, नॉन इंग्लिश मूवी, तो बताइए कौन सी मूवी होगी, द पैरासाइट, द आयरिश मैन 1917, या जोजो रैबिट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरासाइट. अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो पैरासाइट वॉज इन न्यूज, ये काफ़ी गूगल पे भी अगर आप सर्फिंग कर रहे हो तो मूवीज़ वगैरह जब देख रहे होते थे तो ये यहाँ पर दिखाई दे जाती थी. चलिए अगला क्वेश्चन 36, जो कि आपसे पूछा गया है सीजीएल में. देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ ट्रेन कनेक्टिंग वाराणसी टू उज्जैन, वाराणसी से उज्जैन को कनेक्ट करने वाली एक ट्रेन है जिसे पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, तो उसका नाम आपको बताना है. काशी महाकाल एक्सप्रेस, वाराणसी उज्जैन एक्सप्रेस, और आपकी आ जाती है अध्यात्म और काशी विश्वनाथ. को करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका काशी महाकाल एक्सप्रेस. ठीक है, काशी महाकाल एक्सप्रेस. देखिए, दीपक मौर्य कह रहे हैं और आकाश की साउथ कोरियन मूवी है पैरासाइट. चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको इतना डेप्थ में नॉलेज है इस चीज की. तो देखिए 37 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, हाउ मच इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इन मूडी. अब देखिए, मूडी ने कितनी फोरकास्ट की है जीडीपी, ये आपको बताना है. आईएमएफ करता है, ठीक है, और भी बैंक्स कई बार ये बताते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, हाउ टू रेज इंटरेस्ट इन मूवी, साक्षी ये भी कोई पूछने वाली बात है, मूवीज में तो सबको इंटरेस्ट होता है भाई. चलिए यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा, 6.2%, 5.4%, 5.8% या 6.9%. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5.4% क्या है, मूडीज के द्वारा इसको बताया गया है. ठीक है, मूडीज ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है. ठीक है, पहले ज़्यादा थी, अब क्या हो गई है काम. देखिए यहाँ पे एक गलत आंसर आया 5.8, तो भाई आकाश प्रजापति कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका ये रहा. ओके, अच्छा ये हम कर चुके हैं, 38 पर आ जाइए फिर. क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहता है,
All right. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38. कोई एक ऐसा स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली इंडिया की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस, ठीक है, पहली इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करी है, तो ये कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर राजस्थान. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र. कैसे याद कर लोगे? मुंबई में क्या चलता है, महाराष्ट्र में क्या चलता है? मुंबई लोकल ट्रेन. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा शुरू हुई है वो भी कहाँ पर शुरू हुई है आपकी? महाराष्ट्र में, ठीक है. चलो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगला सवाल हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 39. ओके, और हम ऑलमोस्ट अपने 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं. हमारे पास टाइम है, अभी हम 50 तो क्वेश्चन आज खत्म कर ही लेंगे, ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू इंस्टॉल डैश रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग के बारे में बात हो रही है. तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है, तो कितना? 100 गीगाबाइट, 160 गीगाबाइट, 175 गीगाबाइट, गीगाबाट होता है, सॉरी ये बाइट नहीं होता है, आई एम सो सॉरी, 200 गीगाबाट, ठीक है. तो ये आपको बताना है. तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आकाश का 160 गीगाबाट. तो भाई आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2022 तक टारगेट किया है और 175 टारगेट किया है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं. ज़रा देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर हम ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें, ठीक है, जो कि 2020 की बात हो रही है, ये पब्लिश की गई थी जर्मन वॉच द्वारा, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है किसने ये इसको क्या किया था, पब्लिश किया था दिसंबर 19 में, तो दिसंबर की न्यूज़ है. तो मोस्ट क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्री आपसे पूछी गई थी, मोस्ट क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्री आपसे पूछी गई थी. तो क्या आंसर होगा इसका, ज़रा बताइए. करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? जापान, ठीक है. बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम होता है, जो भी प्रोग्रेस होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, बट यहाँ पर क्लाइमेट इफेक्ट की अगर बात हो जाती है तो उस नंबर पे भी जापान सबसे पहले आ गया है. देखिए यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, हु वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ वियतनाम ओपन. बैडमिंटन ओपन होता है ये, ठीक है, बैडमिंटन का गेम है. तो यहाँ पर आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा. देखिए आपके ऑप्शन है किदांबी श्रीकांत, सौरभ वर्मा, लक्ष्य सेन, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है बी साई परनीत. तो बताइए क्या आंसर होगा. इंडिया इज ऑन फिफ्थ, इमरान श्याम का कहना है, तो बहुत बढ़िया. अगला देखिए यहाँ पर आंसर इसका क्या आ जाएगा, फिर सौरभ वर्मा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ वर्मा. यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर कर रहे हैं, तो भाई ऑप्शन सी कौन से उसका कर रहे हैं आप? और पता है ये इस टूर्नामेंट में, जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन एनी कैटेगरी ऑफ दिस टूर्नामेंट. तो पहले इंडियन बन गए हैं ये किसी भी कैटेगरी में ये मेडल जीतने वाले. चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर मूव करेंगे. ये रहा आपका 42. हु वॉन फीफाज बेस्ट फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019. तो फीमेल फुटबॉलर की बात हो रही है, तो फीमेल फुटबॉलर के आपके जो ऑप्शन हैं वो क्या हैं? मेगन रेपिनो, सारीवान वेनिंडाल, एलेक्स मार्गन और रोज लावेल. जल्दी से बताइए क्या होगा. यहां पर आएगा एलेक्स मार्गन, ठीक है. एलेक्स मार्गन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 44. देखिए अब एक और इंडेक्स की बात हो रही है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020. यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है वो आपको बतानी है, ठीक है. इंडिया की जो रैंक है वो आपको बतानी है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. पहले कितनी थी? 88 हुआ करती थी, ठीक है, शायद एक या दो साल पहले जब मैंने पढ़ा था ये. अब कहाँ आ गए ये 84, यानी कि कुछ इम्प्रूव ही हो गई है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 45. तो 45 हमसे क्या पूछ रहा है ज़रा देखते हैं. ओके, ये पूछ रहा है कि हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है, अभी बात वही हो रही है, हेनले एंड पार्टनर्स निकालता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. तो
टॉप पे कौन है? अगर इंडिया 84th है तो टॉप पे कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे जापान की, तो यहाँ पर भी जापान ने इसको टॉप किया है। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करें साक्षी, तो रीजनिंग की क्लास आज 1 बजे होने वाली है, एक और एक आपकी शाम को 5 बजे होगी। बाकी इवेंट्स आपके लाइव हैं तो एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 46 क्या कह रहा है? 46 क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ फिस्कल 20 एज पर द वर्ल्ड बैंक। अब देखो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या निकाला है जरा बताओ। वर्ल्ड बैंक ने दी है 5%। ठीक है, मूडी ने कितना दिया है? 5.4%। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट कह रहे थे कि अब 5.3 हो गई है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो ये अभी मैं आपको कंफर्म करके कमेंट कर दूंगी, पिन कर दूंगी अगर ऐसा है तो। ठीक है, अदरवाइज अभी तक जो हमारे पास न्यूज़ है फरवरी तक वो है 5.4%। किसकी? मूडीज की बात हो रही है। ठीक है, मूडीज की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। हाँ जी, हु वॉन द यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है चिल्ड्रंस बुक अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? चिल्ड्रंस बुक अवार्ड है, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है वो। कॉस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड फॉर द डेब्यू नॉवल आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। जो नॉवल का नाम है वो क्या है? आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बताना है आपको। हिलेरी माइके, कैरोलीन वार्डवाइन, जशविंदा विलन या फिर सैली रूनी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका जशविंदर विलन। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपको, ओके सॉरी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका नॉवल है ये किसने लिखा है, ये किसका नॉवल है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है सबको? तो बहुत अच्छे से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमसे एक सवाल में कितने और सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए स्किप करेंगे, तो भाई अब तो आई डोंट थिंक आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पर याद हो गया होगा कि ये क्या सवाल था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड? जनवरी का है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जनवरी 9 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेज जनवरी फरवरी के तो एटलीस्ट याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। कई बार आपके डेज की थीम आपसे पूछ ली जाती है ना, तो हमें क्या करना है, हमें जनवरी फरवरी वाले कवर करने हैं। क्लियर, चलिए अगला देखें यहाँ पर, उस स्कीम का नाम आपको बताना है अंडर विच 24 स्टेट्स अंडर यूनियन टेरिटरीज जिन्हें यूटी भी कहा जाता है विल सेट अप अ टोटल ऑफ 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। अब आपने देखा था कि इतने सारे रेप केसेस वगैरह पेंडिंग पड़े होते थे कोर्ट में, तो वुमेन वायलेंस से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में यहाँ पर चलाए जाएंगे। तो 123, अब कौन सी स्कीम है वो ये आपको बताना है। तो देखिए स्कीम का अगर आप नाम देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री आवास वंदना योजना, स्वाधार गृह स्कीम। देखिए यहाँ नाम ही गृह लिखा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, आवास की बात हो रही है, महिला ई हार्ट, तो एक यही करेक्ट ऑप्शन बच जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी और विमेन। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इलाबरेट भी कर दिया कि ये जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्स चलाए जा रहे हैं ये किस बेस पर चलाए जा रहे हैं, किस लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपके आशीष सर की क्लास है 11 बजे तो वो आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है, कल हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिस आज यहाँ पर स्लाइड्स भी नहीं लग पाई थी तो भी यहाँ पर टाइम लग रहा है थोड़ा, बट कल हम 50 की जगह 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेम द ब्रिज दैट विल बिकम द वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर हाइट अबव रिवर बेड। रिवर का जो तल होता है वहाँ से 359 मीटर की ऊंचाई पर ये पुल बनाया जा रहा है, तो आपको बताना है उस पुल का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। चेनाब ब्रिज, बोगीबील ब्रिज,
आपका आ जाता है सारी घाट ब्रिज या फिर दीखू पुल। ये जो दीखू पुल है ये शायद अनसुना लग रहा हो, मैंने भी काफी सर्च किया इसे। दीखू रिवर है ये आसाम में, उस पर बना हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेनाब ब्रिज। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो 500 आज ही नहीं हो सकते ना सुमित, हम आने वाले मतलब 16 से पहले। आपकी क्लासेस कब तक चलने वाली है? आज 12 है, 12, 13, 14, 15, ये 4 दिन में हम 500 कवर करेंगे। ठीक है, 500 करंट अफेयर क्वेश्चंस, क्लियर है यहाँ पर? और 100% आई प्रॉमिस कि हम 500 खत्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेशन के एंड में आपको प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ, लेकिन 1 या 2 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नहीं आज के आज नहीं होगा खीर सागर, 15th को आपको पूरे के पूरे 500 मिल जाएंगे। और वो कंपाइल नहीं है, देखिए आज जैसे 50 क्वेश्चन किए हैं, तो इन 50 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आज के आज ही। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज हो सकता है आपको लगा है कि थोड़ी सी स्पीड हमारी कम है, कुछ बच्चे यहाँ परेशान भी हैं, मैम इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो, लेकिन देखिए हमें अगर 500 कवर करना है तो वी हैव टू स्पीड अप, है ना? तो कोई बात नहीं, कल से सेशन को हम वापस से स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे 51 क्वेश्चन से और कवर करने की कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आर यू गाइज रेडी फॉर टुमारो सेशन? कल के सेशन के लिए कितने लोग यहाँ पर तैयार हैं जल्दी से मुझे लिख के बताइए। हाँ जी, कल का टाइमिंग सेम 10 बजे क्लास होगी, 10 बजे क्लास होगी आपकी। विनोद, हाँ जी प्रणाम। देखिए कहाँ से लाइव हूँ, तो बिल्कुल मैं अपने स्टूडियो से लाइव हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी, क्या फर्क पड़ता है। ओके, ऑलराइट, चलिए कल 10 बजे वापस से क्लास होगी। तो हम अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। ठीक है, अगली क्लास ज्वाइन कीजिएगा, रीजनिंग की क्लासेस भी हैं आज के दिन में, तो उनको भी देखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।